हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G73 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डायल पैड टोन सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं या यानी ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये साउंड का, साउंड पर आपको सिलेक्ट है, ठीक है। अब आपको साउंड के इस पेज में नीचे आना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये डायल पैड टोन का। डायल पैड टोन के इस ऑप्शन के ठीक सामने जो बटन दे रखा है ना, इसे आपको सिलेक्ट करना है तो बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी डायल पैड टोन सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। तो ये आपके मोबाइल फोन में जो फोन ऐप होता है ना, ये देखिए फोन ऐप है, जो इस फोन ऐप के अंदर जो आपका डायल पैड होता है ना जिसमें आप नंबर डायल करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि जब भी आप डायल पैड पे किसी भी बटन को आप टच करेंगे ना, तो आपका डायल पैड जो एक साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये जो डायल पैड टोन सेटिंग जो है ना इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके मोटो G73 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है डायल पैड टोन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है इस तरीके से, तो आपको ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाएगा डायल पैड टोन का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो आपको नीचे की साइड में इस तरीके से ये ऑप्शन शो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन शो हो जाएगा नीचे डायल पैड टोन, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके फोन में।